तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर ऑफिशियल। तो ये देखिए दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली काइट मेकिंग के ऊपर। और उसके लिए देखिए मैंने काप ठड्डे पूरे तैयार करके रख रखे, और देखिए ठड्डे और काप के ऊपर मैंने गंडे भी डाल रखे। और अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ये भी आपको बता दूंगा कि भाई काप कैसे छीलते हैं। ज़्यादा तो नहीं, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। और जो भाई आज हम पतंग बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं गिलहरा पतंग, और ब्लैक पेपर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। और जिसमें हम बीच में जो पट्टी डालेंगे वो वाइट कलर की डालेंगे। और काफ़ी लोग भाई, मैंने सुना है कि गिलहरा को काफ़ी लोग वो गिलास पतंग भी कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तरफ इस पतंग को क्या बोला जाता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो हमें पेपर लेना है, ऐसे करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कटिंग कैसे करनी है ये वाला डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पेपर करना है फोल्ड, और कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। मैं ब्लैक और वाइट ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लैक और वाइट ही गिलहरा बढ़िया लगता है हवा में उड़ता हुआ। उसके बाद देखिए, जो एक्स्ट्रा पेपर यहाँ से आपको बच रहा होगा, इसे आपको अलग कर देना है। तो इसे हम अलग करके आपको दिखा देते हैं, आपको किसी भी चीज़ से अलग कर लेना है इसे। तो वाला पेपर तो अलग हो गया। अब जो हमें ये पेपर मिला, इस को हमें दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं, जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ ये मिल जाएगा। उसके बाद हमें लेना भाई वाइट पेपर, जिससे हम बीच में आप कह सकते हैं बनाएंगे गिलहरा। तो देखिए, वाइट पेपर को आपको लेना है ऐसे, और यहाँ पे आपको मोटी सी इसकी पट्टी काट लेनी है। जितना मोटा चाहें आप उतना काट सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा मोटा भी अच्छा नहीं लगता, इतना काफ़ी होगा। तो इसे भी हम देखिए काटते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं कि फाइनल हमें क्या चीज़ मिलने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाइट पेपर हमें ये मिल गया, और ब्लैक पेपर ये है। अब हमें क्या करना है, इन वाइट पेपर को, मतलब जो वाइट पेपर है इसे इस वाले ब्लैक पेपर में चिपकाना है ऐसे करके, और फिर जो दूसरा वाला ब्लैक पेपर का पोर्शन है उसे भी इसमें पेस्ट कर देना है। फाइनली जो चीज़ आपको मिलेगी तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपका ये निकल के आ जाएगा, जब इन सारे पेपर को आप आपस में पेस्ट कर देंगे। फेविकॉल का यूज करना, उसमें थोड़ी सी आप चीनी मिला लेना, उससे देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं खाएगा। अब इसके बाद देखिए, हमें इसका फर्मा काट लेना। फर्मा काफ़ी आसान है काटना, इसको मैं ऐसे फोल्ड करना, उसके जो आपके पास फर्मा रखा होगा उससे इसे काट के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्मा हमने काट लिया, अब इसके ऊपर हम करेंगे घुटाई। तो सबसे पहले फर्मा दिखा देते हैं, जो कि फर्मा काटने का इस तरीके का आपको ये पूरा डिज़ाइन मिल जाएगा, जिसे हम गिलहरा कहते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना, उसे हाथ में रब करके इस पेपर के ऊपर आराम से ऐसे करके मल देना। ये देखिए ऐसे करके, काफ़ी ज़्यादा मत ले लेना वरना इसमें स्पॉट पड़ जाएंगे तेल के। बहुत हल्का सा तेल लेना है, और जो आपका पेपर वेट होगा इसमें भी आपको थोड़ा सा ऑयल रब करना है। और ऐसे करके देखिए, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहें फर्मे में, मैं ऐसे गोल गोल वाली घुटाई कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आप घुटाई कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर आपको जोर लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे इस पेपर वेट के ऊपर, उतनी निकल के घुटाई आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से घुटाई कर ली है। आपका जो दिल करे वाली घुटाई आप कर सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज़ है भाई, आपको जो यहाँ पे ये हमने पेस्ट करा है ना, इसके ऊपर घुटाई ज़रूर करनी है, वरना क्या होगा, ये कभी कभार जोड़ खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके ऊपर घुटाई कर देंगे दोनों के ऊपर, तो ये जोड़ फिर कभी नहीं खुलेगा, एकदम मजबूत हो जाएंगे जोड़। ठड्डा भी हमारा पतंग में चिपक चुका है। अब जो आगे का प्रोसेस है ना, वो तो आपने कई बार देखा है, वही हमें डोरी लगानी है, डोरी पत्ता वत्ता सब करके हमारी पतंग तैयार हो जाएगी। तो चलो मैं खाली आपको काप लगा के दिखा देता हूँ, और उसके बाद डायरेक्टली पतंग तैयार करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रही काप पूरी, हमने अपने फर्मे के हिसाब से काप सेट कर ली है। तो बस अभी अब हमको इस काप को इस फर्मे में चिपकाना है। और देखिए, काप के लिए भी आप फेविकॉल का यूज करना, फेविकॉल एकदम बढ़िया है, फेविकॉल से आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे। जो ठड्डा चिपकाएंगे तो उसमें खाली आप फेविकॉल का यूज करेंगे ठड्डा और काप में,
और जितने बाकी काम होंगे ना डोरी पत्ता उसमें आप फेविकॉल में थोड़ी सी चीनी मिला लेना, उससे आपका जो पतंग में ना झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरी यहाँ पे काप अपनी सेट कर दिए कमान, ये देखिए यहाँ पे हमारी पूरी कमान सेट हो गई है। अब देखिए पूरी पतंग को मैं तैयार करके आपको दिखाता हूँ। और फाइनली हमारी पतंग हो चुकी है तैयार। पतंग एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ पतंग का। तो यहाँ पे देखो जो कुंदे होते हैं पतंग के वो एकदम बारीक हैं, ऊपर से कमान देखिए मोटी है, फिर ये इधर किनारे आ जाएंगे फिर से कमान बारीक है, और ठड्डा देखिए एकदम बढ़िया करके गंडे पड़े हैं। और पत्ता जितनी मुझसे फिनिशिंग आ सकती थी पत्ता डोरी पत्ता करने में मैंने पूरी कोशिश करी है कि पतंग में फिनिशिंग आए। कमेंट करके बताना पतंग कैसी लग रही है। अब देखो पतंग बनाए हुए सिर्फ हमें अभी आधा घंटा हुआ है, और पतंग में आप देख सकते हैं जो हमने घुटाई करी थी वो भी आपको चमक रही होगी सूरज में। ये देखिए ये रही घुटाई, और ठड्डा भी दिखा देता हूँ, एकदम लपकदार ठड्डा है कमान देखिए आप। और देखिए फिनिशिंग देखिए पेपर की, अजंता पेपर में फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है। और यहाँ पे कमान आपको दिखाऊं कि कमान कैसी है इसकी। पहले ठड्डा देखिए, ठड्डा एकदम लपकदार है, और कमान देखो एकदम बैलेंस कमान है। तो अब देखो ये पतंग सिर बनाए पर आधा घंटा हुआ, लेकिन वीडियो में बनाने वीडियो के लिए तो मुझे आपको ये पतंग उड़ा के अभी दिखानी पड़ेगी। अब देखते हैं पतंग कैसा वर्क करती है, ताजी पतंग है भाई। ये देखो पतंग में पूरी टेपिंग कर लिए ताकि जोड़ ना खुले, और यहाँ पे अब इस पतंग को करते हैं पार। मौसम काफी अच्छा है लेकिन हवा थोड़ी हल्की चल रही है, और अभी सामने आप देखेंगे तो क्लब का बैटिंग तो भाई पूछो ही मत, हवा चले ना चले क्लब वाले को चैन ही नहीं, तेज तो लड़ाने लड़ाने। तो यहाँ पे देखो हमारी पतंग पार होके जा रही है। अब मुझे नहीं पता यार ये पतंग अभी कैसा वर्क करेगी, क्योंकि पतंग बनाने के बाद कम से कम अगर कम से कम भी रख रहे हो तो 20 दिन तो पतंग को रखो ही रखो, उसके बाद उड़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना दिन भी रख सकते हैं। और हमने तो भाई आधे घंटे में ही पतंग पार कर दी अपनी। तो अब पतंग के चक्कर वक्कर दिखाता हूँ आपको कि कैसे ले रही है पतंग चक्कर। तो ये देखो ये अब पतंग आपको दिखाऊं मैं, तो अब देखो पतंग का ये रहा भाई, ये रहा राइट चक्कर पतंग का एकदम बढ़िया है। लेफ्ट चक्कर भी आपको दिखाता हूँ, ये लेफ्ट चक्कर रहा चक्कर, तो भाई पतंग हमारी एकदम बढ़िया ले रही है। और अगर आपको आगे दिख रहा होगा तो देखो क्लब वालों की पतंगें उड़ रही हैं, उनका गेम लड़ रहा है, उड़ने में तो बढ़िया है हमारी पतंग, एकदम चक्कर भी बढ़िया ले रही है। आप खींच के देखेंगे अपनी पतंग को, तो ज़्यादा ज़ोर से मैं खींच नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है क्योंकि ताजी पतंग है, कहीं कमान ठड्डे बाहर ना निकल आए। तो ये देखो हल्की सी पतंग थोड़ी सी बाहर की भाग रही है, वो जब हम कब पतंग को थोड़ा रख देंगे 15-20 दिन तो ये पतंग सही हो जाएगी, और उसके बाद जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो हम हाथ से सही कर सकते हैं कमान लगा के। तो भाई ये पतंग हमने बनाई थी, और फाइनली पतंग हमारी सक्सेसफुल हो गई है, उड़ बढ़िया रही है, और थोड़ा रखने के बाद और भी बढ़िया हो जाएगी। तो हमारा जो पतंग बनाने का मिशन था वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया, पतंग बढ़िया बनी और उड़ भी बढ़िया रही है, और आने वाले टाइम में इसी पतंग से आपको पेड़ उड़ा के भी दिखा